तो हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड शॉक हुआ जब ब्राजीलियन और बार्सा लेजेंड डैनी अल्वेस पे सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस के चलते उनको रिमांड में लिया गया। और अगर ये एलिगेशन सही प्रूव होते हैं तो यहाँ पर उनको 12 साल तक की सजा हो सकती है। और ये पूरी कहानी लगभग न्यूयॉर्क के आसपास की है जब डैनी अल्वेस अपने दोस्तों के साथ बार्सिलोना के नाइट क्लब में एंजॉय कर रहे थे और वहीं पर ही एलिगेशन लगाया कि उन्होंने यहाँ पर एक लड़की को रेप किया और फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब अगर कोर्ट की हियरिंग की बात करें तो यहाँ पर विक्टिम की साइड को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं और मानते हैं कि यहाँ पर अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करें, कपड़ों की बात करें या फिर सीसीटीवी फुटेज की बात करें, बैक करता है कि यस लड़की जो कह रही है वो सच है। वहीं अगर डैनी अल्वेस की बात करें तो उनके स्टेटमेंट काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग है। जहां पहले वो ये कहते हैं कि वो लड़की को जानते भी नहीं है और कभी बात भी नहीं हुई है, वहीं दूसरे इंसिडेंट पे उन्होंने ये चीज मान ली कि उन्होंने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन रखा था जो कि कंसेंशुअल था। जस्टिस वेयर इट्स ड्यू, कोर्ट अपना डिसीजन दे ही देगा, लेकिन अगर ये एलिगेशन सच होते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉल प्लेयर एक्चुअली में एक एवरेज इंसान भी नहीं बन पाया।